सोयाबीन तेल में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल विदेशी बाजारों में सीबोट सोया तेल और कच्चे तेल में मजबूती के संकेतों से चीन के बाजारों में पाम तेल में बढ़त का सिलसिला जारी है, लेकिन सोया तेल में मामूली गिरावट है। वहीं सीबोट सोया तेल के साथ बड़े अंतर से केएलसी भी बढ़कर कारोबार करता दिखाई दिया है। हालांकि फंडामेंटल मिले जुले होने की वजह से ऊपरी स्तरों पर कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट लेवी छूट की खबर पर आगे की चाल फिलहाल निर्भर करेगी। वहीं घरेलू बाजार में पाम सोया तेल में मांग का दबाव अच्छा बना हुआ है। वहीं सोयाबीन की आवक कम होने के कारण पाइपलाइन खाली हो चुकी है, जिससे सोया तेल इंदौर बढ़कर 1345 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया है। वहीं माना जा रहा है कि सोया तेल के आगे के सौदे भी ऊंचे भाव पर किए जा रहे हैं। नवंबर दिसंबर के सौदे 1 से 2 रुपए प्रति किलो पर ऊंचे भाव पर देखने को मिले हैं। वहीं कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सोयाबीन उत्पादकों ने पिछले सप्ताह अर्जेंटीना की 2021-22 फसल का 70.3% हिस्सा बेचा है, जबकि सोयाबीन की फसल का यही हिस्सा 2020-21 के मौसम में इसी अवधि के दौरान बेचे जाने वाले 74.2% से कम है। वहीं इंडोनेशिया में पाम तेल का निर्यात अगस्त के रिकॉर्ड उच्च स्तर से सितंबर में 36% घट गया है, लेकिन माना जा रहा है कि अक्टूबर के निर्यात में तेजी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।